डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है, संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा, तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अरे सुनिए, देखिए, संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA 3B को देखें, तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164F को पढ़ें, तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके, इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन, यह आवश्यक था, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया, शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबेरे 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं, और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं, और उसमें और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई, तो मेरे विचार से, और यह सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं।
क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख की तनख्वाहें मिली और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात, जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली ही प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हुए यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं, जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं, यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित हो। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिक्स कैडर है, यानी दानिक्स कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिक्स कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने, 10 करोड़ से कम के 8.5-9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर ना करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक नैतिकता, सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है।